राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया है। हालांकि इस बारिश के बाद उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहां के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण 15 सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार आज दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। वर्षा के कारण आज दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। IMD के अनुसार आज दिल्ली के न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की उम्मीद है। दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। IMD ने अपने हालिया पूर्वानुमान में कहा कि 17 जुलाई तक दिल्ली और नोएडा में हल्की बारिश जारी रहेगी। IMD ने पश्चिमी महाराष्ट्र के तटीय जिलों रायगढ़ और रत्नागिरी तथा कोल्हापुर और सतारा के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए 14 जुलाई भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं रविवार को ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश के बीच IMD ने 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोचीकोड, कन्नूर और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।